मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई हैव द फर्स्ट चैप्टर फॉर सेवेंथ क्लास एंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज थ्री क्वेश्चन. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट द थ्री क्वेश्चन, अ किंग हैड थ्री क्वेश्चन बाय विच ही वांटेड that he would never fail in his life. Means कि एक राजा के तीन क्वेश्चन होते हैं और उन तीन क्वेश्चंस का वो आंसर जाना जाता है जिसे वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल ना हो सके. तो हमने इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं. अब आप अपनी बुक निकाल लीजिए और जो पेज नंबर 8 है, 8 पर जो सेकेंड पैराग्राफ है उसको देखिए. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स. अब राजा ने अनाउंस किया कि एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा जो उसके इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देगा. तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से स्कॉलर आए और उन्होंने राजा के थ्री क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट किया. बट राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्योंकि उनके जो आंसर थे वो डिफरेंट थे. तो इसीलिए राजा ने क्या किया कि दूसरे और व्यक्तियों को इनवाइट करने का निश्चय किया. तो देखो आगे क्या होता है. बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट. अब वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति थे, दूसरों ने क्या कहा, दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल अर्जेंट हो सकती हैं. मतलब कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो बिल्कुल क्या हो, अर्जेंट हो. And these things could not wait for the decision of the council. Council मतलब सभा. Council का मतलब सभा या परिषद. तो ये जो बातें होंगे, ये जो काम होंगे, वो council के decision का wait नहीं कर सकते. मतलब कुछ ऐसे काम जो urgently करने होंगे, at a time करने होंगे, on the spot करने होंगे, तो ऐसे काम के लिए सभा या फिर मंत्री परिषद जो है उसका वेट नहीं किया जा सकता. कुछ ने ऐसा कहा, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और किसी भी काम को सही समय पर करने का निश्चय करने के लिए, मतलब किसी भी कार्य को सही समय पर करना है उसका डिसीजन करने के कारण, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर में देखा जाना आवश्यक है. मतलब उस काम का वो काम होगा इसलिए पहले से उसके बारे में जान लेना आवश्यक है. मतलब भविष्यवाणी के थ्रू ही ऐसा किया जा सकता है. ठीक है, तो क्या कहा गया कि कुछ भी ऐसा काम हो जिसको राइट टाइम पर होना है और उसके लिए डिसीजन लेना है, तो उस राइट टाइम पर होने वाले काम के लिए सबसे पहले फ्यूचर में देखना आवश्यक होगा. एंड ओनली मैजिशियन कुड दैट ऑफ़ फ्यूचर. कौन देख सकते हैं, केवल मैजिशियन ही फ्यूचर देख सकते हैं. एंड द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, और उन्होंने कहा कि इसलिए राजा को मैजिशियन के पास चले जाना चाहिए होगा. ठीक है, नेक्स्ट. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू समथिंग, मतलब किसी कार्य को करने का सही समय क्या है. तो ये जो हमने पढ़ा अभी तक वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर थे. ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन के आंसर पे लोगों ने क्या कहा वो देखते हैं. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या कहा, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. तो दूसरे लोगों ने क्या कहा सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए,
क्या कहा, क्या उत्तर मिला कि कुछ ने कहा कि द पीपल मोस्ट रिसेप्टिव टू द किंग, मतलब जो लोग राजा के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हैं वो क्या है, वो इस काउंसिलर्स, वो उसकी मंत्री परिषद है, वो उसके मंत्री जो सभा है, ठीक है, वो सभा ही उसकी क्या है, वो मंत्री परिषद ही उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर सेंस द प्रिस्ट, और कुछ ने कहा कि पुजारी मोर इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, और कुछ दूसरों ने डॉक्टर्स को चुना। देखो डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कहा कि काउंसिलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ने कहा प्रिस्ट मतलब जो पुजारी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए राजा, ठीक है। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर भी कुछ दूसरों ने क्या कहा, दूसरों ने कहा कि मोस्ट नेसेसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी काम किया है वो उसके सैनिक हैं, सोल्जर्स। क्लियर। नेक्स्ट टू द थर्ड क्वेश्चन, अभी सेकंड क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिला, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था, टू द थर्ड क्वेश्चन सम साइंस, कुछ लोगों ने कहा साइंस ज्यादा अच्छी है, अदर चूज फाइटिंग, दूसरे लोगों ने लड़ाई को चुना, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्सेस, और कुछ ने धार्मिक पूजा पाठ को चुना। ये तीसरे क्वेश्चन के आंसर में उसको, तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिला। एज द आंसर टू दिस क्वेश्चंस वाज सो डिफरेंट, तो इसलिए उसके पर्सनों के उत्तर इतने ज्यादा डिफरेंट थे, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ, एंड गेव नो रिवार्ड, उसने कोई रिवार्ड कोई इनाम नहीं लिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, इसकी बजाय उसने एक साधु संत से सलाह मांगने का निश्चय किया। डिसाइड क्या होता है, निश्चय करना, सीक क्या होता है, मांगना है, ढूंढना, ठीक है। सर्टेन मतलब विशेष, हर्मिट कहता है साधु संत, ठीक है। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, जो अपने ज्ञान के लिए, जो अपनी नॉलेज के लिए जाना जाता था, ठीक है, जो भी नॉलेज विस्डम कहता है बुद्धिमत्ता, ठीक है, जो भी बुद्धिमत्ता के लिए, जो भी नॉलेज अपने ज्ञान के लिए वाइडली जाना जाता था, ऐसे हर्मिट की एडवाइस लेने का निश्चय किया इसने राजा। क्यों किया, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिले अपने क्वेश्चन। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट, और हर्मिट एक जंगल में रहता था जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था, मतलब वो हमेशा जंगल में ही रहता था, कभी बाहर नहीं जाता। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। ही सॉ नो वन, उसने कभी किसी को नहीं देखा, बट सिंपल पीपल क्या था, बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति था, साधारण से आदमी, एंड सो द किंग पुट एंड ऑर्डिनरी क्लोथ्स, मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ साधारण व्यक्तियों से ही वो मिलता था। कहने का मतलब ये है कि वो किसी किंग से नहीं मिलता था, राजा से वो कभी भी मीटिंग नहीं करता था, सिर्फ वो साधारण व्यक्तियों से ही मुलाकात करता था। तो इसलिए राजा ने क्या पहने, साधारण कपड़े पहने, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट डोर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। तो उस साधु की झोपड़ी, हट क्या था, झोपड़ी के पास जाने से पहले राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया, मतलब राजा घोड़े से नीचे उतर गया और उसे अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया, एंड वेंट ऑन एलोन, अकेला वहां पर गया। मतलब क्या कि राजा जब जंगल में पहुंचा तो उसको पता था कि जो हर्मिट है वो राजा से नहीं मिलेगा, तो उसने क्या किया, साधारण से कपड़े पहने, तब वो वहां गया, और साधु की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले वो घोड़े से नीचे उतर गया, उसने अपने बॉडीगार्ड को भी पीछे रख दिया, उसने कहा कि मैं अकेला ही वहां पर जाऊंगा, तो इसलिए वो अकेला वहां पर गया। एज द किंग केम बी नियर द हर्मिट्स हट, जैसे कि राजा उस साधु की झोपड़ी के पास आया,
जमीन खोदते हुए देखा। He greeted the king and continued digging। उसने राजा का अभिनंदन किया, स्वागत किया, ग्रीट का स्वागत करना और उसने खोदना जारी रखा। मतलब खोदता रहा जमीन को। The hermit was old and weak। अब जो हर्मिट था वो बिल्कुल बूढ़ा और कमजोर था। And as he worked, he breathed heavily। और जैसे वो काम करता था उसकी मतलब वो जोर जोर से सांस लेता, बूढ़ा हो गया था, उसकी सांस फूलती थी, ठीक है, इसलिए वो जोर जोर से सांस लेता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब जो राजा था वो साधु के पास गया, उसने कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू वन सम थ्री क्वेश्चंस। तो उसने कहा कि हे बुद्धिमान साधु, कि मैं आपके पास अपने तीन क्वेश्चंस का उत्तर जानने के लिए आया। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं किस तरह से सही समय पर सही काम कर करना सीख सकता हूं, क्या करूं। एंड हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वैसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, और कौन से काम हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो ये तीन प्रश्न जो उन्होंने साधु के सामने रखे और उसके बाद साधु ने उनका आंसर देना शुरू किया, ठीक है। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने राजा की बात सुनी, बड़े ध्यान से सुनी, लिसन कहते हैं ध्यान से सुनना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा। यू आर टायर्ड, सेड द किंग। राजा ने कहा थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। ये मुझे अपनी कसी दो, स्पेड कहते हैं कसी, ठीक है, ये मुझे अपनी कसी दो और वर्क इन योर प्लेस, मैं तुम्हारी जगह काम करूंगा। थैंक्स, सेड द हर्मिट। साधु ने कहा धन्यवाद। गिव मी द किंग हिज स्पेड। राजा को अपनी कसी देते हुए साधु ने कहा कि धन्यवाद। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम इसके वर्ड मीनिंग है तो देखते हैं, आप साथ के साथ इनको करें, वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करें और उसको अपनी शेयर नोटबुक में लिखें। तो आज का तो वर्ड मीनिंग है फर्स्ट हो गया। देखो अर्जेंट, अर्जेंट क्या होता है, आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक या फिर जरूरी। उसके बाद आता है काउंसिल। काउंसिल क्या होता है, सभा, काउंसिलर्स का मतलब काउंसिल होता है सभा सदस्य, सभा में बोले देते हैं काउंसिलर्स, काउंसिलर्स, ठीक है। काउंसिलर्स क्या होता है, सभा सदस्य, सभा में
नेक्स्ट नेक्स्ट आता है प्रीस्ट, प्रीस्ट प्रीस्ट मतलब पुजारी, प्रीस्ट मीन्स क्या है पुजारी। वर्षिप क्या होता है, वर्षिप वर्षिप होता है पूजा, वर्षिप क्या होता पूजा, ठीक है पूजा करना है तो वर्ग के फॉर्म में लिखने दो। नेक्स्ट आता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड मतलब क्या होता है संतुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ, संतुष्ट हुआ। नेक्स्ट आता है जी परमिट, साधु ज्ञान बोल सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रिक, ट्रिक क्या होता है खोदना, जमीन खोदना, ट्रिक मतलब जमीन खोदना। नेक्स्ट आता है पुरुषार्थ, स्पेड स्पेड होता है मशीन, ठीक है फावड़ा भी बोलते हैं। होमवर्क और चैप्टर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करें, ठीक है ओके।